आलिया भट्ट के रोमांस की खबरें आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। दोनों ने नया साल न्यूयॉर्क में संग मनाया। गुरुवार को रणवीर और आलिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। इसमें रणवीर सिंह, एकता कपूर, करण जौहर, रोहित शेट्टी समेत अन्य सितारे भी शामिल थे। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए तमाम प्रशंसकों ने स्टार्स को घेर लिया और सेलिब्रिटी संग सेल्फी और फोटो लेने लगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस दौरान आलिया को लेकर रणवीर काफी प्रोटेक्टिव दिख रहे हैं। वीडियो में पहले करण जौहर बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, इसके बाद रणवीर सिंह निकलते हैं। रणवीर के ही पीछे रणबीर कपूर आलिया संग बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। वे आलिया के ठीक पीछे चल रहे हैं और इस बात का खास तौर पर ख्याल रख रहे हैं कि भीड़ की वजह से उन्हें कोई दिक्कत ना हो। बता दें कि इन स्टार्स के अलावा राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर और विक्की कौशल भी मोदी से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने इन कलाकारों को फिल्म से जुड़े मुद्दों पर बात करने को लेकर बुलाया था। किस तरह से फिल्मों का असर समाज की संस्कृति पर पड़ रहा है और भविष्य में दर्शक किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, ये सब मुद्दे डिस्कस किए जाने थे। कैसी फिल्में समाज को दिखाई जानी चाहिए जिससे समाज की मानसिकता में पॉजिटिव असर हो और लोगों को फिल्मों के जरिए मनोरंजन के साथ ज्ञान भी परोसा जाए। आलिया और रणबीर की बात करें तो दोनों के लिंकअप की खबरें सुर्खियों में रहती है। दोनों एक दूसरे के घर वालों के भी काफी करीब आ चुके हैं। नए साल पर आलिया ने कपूर फैमिली संग न्यू ईयर मनाया। दोनों फिलहाल ब्रह्मास्त्र फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। इसका निर्देशन अयान मुखर्जी कर रहे हैं। फिल्म 20 दिसंबर 2019 को रिलीज की जाएगी। For more information, log on to www.clips.in.